हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो? होप सब ठीक ही होंगे। तो भाई आज जा रहे हैं छोटी सी राइड पे। भाई ये खड़ी अपनी बाइक। तो भाई पता नहीं मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। लड़के बोल रहे हैं कि आ जा बस, तो भाई मैं चलता हूँ। तो भाई मैं आ गया अभी बाइक पे, तो मैं निकलता हूँ सीधा। बंदे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं गाइस। यार मेरे को कुछ हैंडल थोड़ा ये डिफेक्ट सा लग रहा है, क्योंकि एक दिन मैं वृंदावन गया था तो वहाँ पे बारिश पड़ रही थी। तो मैं ब्रिज, जमुना जी का जो ब्रिज है, वहाँ से मैं निकाल रहा था बाइक को, तो वहाँ पे थोड़ा सा कीच कच्चा सा हो रहा था। तो मैं आराम आराम से निकाल रहा था, मान लो 5 की स्पीड थी, और पैर टिक टिक कर निकाल रहा था। भाई साहब गाड़ी ऐसी फिसली, फिर भी ये शायद मेरे को लगता है ये हैंडल टेढ़ा हो गया है थोड़ा सा, तो ये पूरा पाइप ही डलवाना पड़ेगा मेरे को लगता है। तो जब तक चलाते हैं इसको, जब तक अच्छी चलती है तो, नहीं तो चेंज करा देंगे। तो बाकी यार निकलते हैं इधर से। तो यार मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो कम से कम मेरे को 10 से 15 किलोमीटर अकेला ही चलना पड़ता है मेरे को। मतलब एक रात तो ऐसी हो जाती है भाई, जब जाके मेरे को लड़के मिलते हैं। बहुत पैसा जा रहा है भाई पेट्रोल में, बहुत पैसा जा रहा है। क्रेटा निकल जाने दे, निकलने दे। ओ भाई निकलने दो, फाटक लगा नहीं मिले, मजा आ जाएगा। निकलने तो भाई बच गया भाई, फाटक लग गया होता यार भाई बच गया बच गया। मैंने कहा बोलूंगा बाद में, पहले निकलने दो यार। अभी तो मेरे को यहाँ से करीब करीब चलना है तो 6 या 7 किलोमीटर और चलना है। अभी थोड़ी देर में पश्चिमपुरी पहुंचने वाले हैं, उधर से भागना टावर पहुंचेंगे, वहां पे मिलेंगे सारे बंदे। तो इसको आज छोड़ के मुड़ता हूँ, ठीक है भाई, आज छोड़ के मुड़ता हूँ। मुड़ जा मुड़ जा मुड़ जा, मुड़ गई, देख रहे हो गाइस मुड़ गई। भाई कमेंट करके बताओ रफ राइड में मजा आता है नॉर्मल या सीधे सीधे? चलो भीड़ में वाले वाले निकालो, ऐसे मजा आता है, एक बार बताओ कमेंट करके। यहाँ तो जगह नहीं है भाई, R5 होती तो निकल जाती, ये MT है, इतनी जगह नहीं है, इतने बड़े इसके हैंडल है। ये तो बस ऐसे ही छोटे मोटे मारने के लिए सही है। निकलने दो भाई, ये बैठे हुए भाई लोग। अरे सर पहुंच भी गए आप लोग? तो गाइस मैंने बोला था इंतजार कर रहे हैं ये लोग, तो ऐसा ही है, इंतजार करते हुए मिले। बाकी चलते हैं BMW देखेंगे आज, ऑफ रोडिंग के लिए लेके चलेंगे। तो फाइनली गाइस अभी हमने सोचा ऑफ रोडिंग का, तो आज ऑफ रोडिंग करेंगे, तो ऑफ रोडिंग के लिए निकलते हैं। सामने देख रहे हो कौन सी बाइक खड़ी है, पहचानो इसको कौन सी है भाई? अपाचे है, ऊपर से फेयरिंग उठा दी है। भाई क्या हुआ था इसके साथ में? ऐसे ही गुस्से में? चलो अच्छा है, तो निकलते हैं गाइस। अभी हमने ऑफ रोडिंग का सोचा है, तो ऑफ रोडिंग करते हैं। अभी तो यहाँ से स्लो स्लो चलते हैं आराम से, क्योंकि कभी कभी बाइक धीमी भी चलानी चाहिए। तो चलते हैं। बाकी यार डोमिनार का साउंड चेक करो भाई, डोमिनार का साउंड दिखाना, अरे रब करके दिखाओ। अरे गजब गजब, साउंड थोड़ा दब गया है लेकिन कोई नहीं। ओ भाई रुको तो देख, ऑफ रोडिंग के लिए BMW जा रही है आज हमारे साथ में। ये वही BMW है जो मैंने पिछली बार वीडियो डाली थी, और एक और है ऑफ रोडिंग की, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, हिमालयन। ये जा रही हिमालयन, ये तो है ही है भाई ऑफ रोडिंग की, राधे भैया की है ये। डोमिनार जहाँ पे अभी हम लगा देते हैं, उसके बाद में चलते हैं ऑफ रोडिंग के लिए, नहीं पास में जाना है। डोमिनार में कुछ इशू है इसीलिए नहीं लेके जा रहे, मेरे को नहीं पता क्या है। बाकी आज बंदा ब्लॉग भी नहीं बना रहा है। तो बाकी यार आपने बादशाह भाई बैठे हुए हैं पीछे,
निकलते हैं गाइस। हम चलाते हैं भाई रफ राइड। अरे हम भी भागेगी नहीं क्योंकि एक सांड जैसा बंदा बैठा हुआ है हमारे साथ में, इसको बोलते हैं बादशाह। भाई बहुत कम्फर्टेबल, आराम से खड़े होकर चला सकते हो बाइक को, ये चेक करो भाई। हमें में यही तो फायदा है और क्या है, ट्रिप मारो और तुम बैठे बैठे परेशान हो जाओ तो भाई ऐसे चला खड़ा होकर के थोड़ा बहुत एंटी भी कोई जाती है, लेकिन बोरिंग बाइक नहीं चलेगी जो कि आप आराम से चला सकती नहीं और ज़्यादा परेशान होने चलाने से। अभी हम कीटम झील में एंटर कर चुके हैं, अब यहाँ से टिकट वगैरह लेकर के अब जाते हैं अंदर। ऑफ रोडिंग का पता नहीं लेकिन कीटम झील में जा रहे हैं। रुको भाई मेरे को लेके चलो, ओ भाई मेरे को लेके चलो भाई, कोई तो लेके चलो भाई, मेरी बाइक लेके भाग गया बादशाह। यार ऐसे ऐसे बंदे मेरी बाइक लेकर के गायब। ये देखो भाई ये बंदा चोर है, चोर चोर है भाई, लोग कितना खतरनाक आ रहा है एमटी का। यार अरुण भाई का ये देखो टैटू, टैटू भाई राइडर साहब है जे, अरुण राइडर। ओ भाई ओ भाई ये चेक करो भाई, बादशाह कैसी लग रही है भाई अपनी एमटी। अरे भाई क्या ही खतरनाक है, जल्दी है आगे निकलते हैं भाई, देखते हैं और आगे मस्त लोकेशंस। उतरी से लेंगे यार, देखो बाकी यार रील वगैरह हमने सब शूट कर लिए, तो चलते हैं यार। अब काफ़ी टाइम हो गया हमको कीटम झील के अंदर, तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार और भाई की वीडियो को लाइक करो, तो बाकी मिलते हैं यार एक नेक्स्ट ब्लॉग में, मस्त ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।